राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी पता टाइम हो रहा है 10:15, और आज मैं ना पूरी रात सो नहीं पाई। मेरे को इतना हेडेक हो रहा था ना, अभी भी हल्का हल्का सिर में दर्द है, तो मैं आज बिल्कुल नहीं उठी यार। कि कल मेरी इतनी भागम भागी हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा ना, मैं व्लॉग भी नहीं शूट कर पाई थी। कल से ही मेरा सिर में दर्द हो रहा है। मेरी यहाँ पोहा और मेरा चाय बेड पे, आज मैं यहीं पे खाऊंगी। उसके बाद गीजर कर रखा है, और ना फिर उसके बाद नहा के अभी मेरी फ्रेंड का फोन आया है, और अब सिर का दर्द बेटर है मेरा। और मैंने ये ना क्रीम बनाई है, क्योंकि क्रीम खत्म हो रही थी, इसके लिए मैंने लिया जेल, ग्लिसरीन, रोज वाटर और विटामिन ई के कैप्सूल ना लेके ना, और आलमंड ऑयल खत्म हो रहा है, मैं वो भी डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी ड्राई स्किन है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, और ये बड़ी इफेक्टिव क्रीम है ना। और उसके बाद ना किट्टू पोहा नहीं खाती है, तो पर ने भी आज पोहा नहीं खाया, तो उसके मैंने अप्पे बैटर रखा था, उसमें सारी सब्जियां डाल दी हैं। अप्पे अपन जो बोलना चाहो वो बोल लो। और अभी ना बड़ा अच्छा फील हो रहा है मेरे को ना, सुबह तो दर्द था बट अब बेटर है। तो भैया अब हम आ गए किचन में काम करने के लिए। भैया हमसे कहाँ लेटा जाएगा। तरफ मैं सब्जी बना रही हूँ, ये आलू मैंने छोटे वाले आलू बॉईल करके रखे, एक आध बड़ा आलू भी है, और उसमें फ्राई करके दम आलू, कश्मीरी दम आलू बना दिए, जो बच्चों को बहुत पसंद है। मेरी प्यारी बहनों, स्पेशली कुछ स्पेशल फ्रेंड के लिए मैसेज है कि ये देखो ये सब्जी ना मैंने ही बनाई है। अब तुम्हें इसमें मेरे हाथ ही दिख सकते हैं, अब मुंह कैसे दिखाऊं सब्जी बनाते हुए तुम लोगों को। और एक हाथ से वीडियो बना के बनाना, एक हाथ में फोन पकड़ के, बड़ा मुश्किल है। बट सब्जी तो भाई मैं नहीं बनाती हूँ, मैं घर में होती हूँ तो मैं ही बनाती हूँ। अगर मैच वैच में चली गई तो फिर भी पर्व की तो मैं ही बनाती हूँ। आपको मेरे हाथ दिखे ना कलछी वाले, तो सोचो उस दिन मैंने ही बनाई है। ये देखो ये मेरे ही हाथ है बहन। सब अच्छे हो गए, फोन चार्जिंग में लगा रखा है, बस ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो चुका है। नहा धो के फ्री हो गई हूँ, बस पर्व अभी आएगा तो गरम गरम रोटी बनाऊंगी। आज के दिन हमारी छुट्टी होती है वेंसडे, हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है हाफ डे की, अगर मैच नहीं है तो। मैं सब्जी बना दी, मैं नाश्ता भी हो गया था, बस फुलके बनाऊंगी, गरम गरम ही बनाऊंगी जब ये हैं, मतलब अगर मैं हूँ और कहीं नहीं निकली। मैं सोचती गरम गरम फुलके बना के खिला दूँ मैं इनको ना, बच्चों को। किट्टू भी कॉलेज से आ गई है, अभी फ्रेंड मिलने के लिए आने वाले हैं घर पे ना, तो बस वेट कर रही हूँ। उन्होंने 1 बजे बोला था, तो ऑलमोस्ट सारा काम खत्म कर लिया मैंने ना। प्रदीप का वेट कर रही हूँ, प्रदीप को पर्व आ जाए, तो पर्व नहीं नहाया अभी, पर थोड़ा काम से गया हुआ बाहर। पर बच्चे आ गए हैं तो मैं सोच रही हूँ लंच में मैंने ये पराठा बना दिया सब्जी के साथ, यम्मी यम्मी गर्मा गर्म पराठे, मस्त। जस्ट अभी खाना ख़त्म किया है, 5:30 होने वाले हैं, और आज क्या था कि फैमिली फ्रेंड घर पे आए हुए थे, तो बस बातचीत करते 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 ना काफ़ी टाइम हो गया, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो बस अभी खाना पीना खा के मैंने ख़त्म किया, हमने अब नीना आके समेटेगी हमारी, और रात के डिनर की तैयारी भी शुरू होगी। दाल चावल, चावल थोड़े से भी हुए मैंने, क्योंकि डिनर हमने लेट की, वो लंच लेट ही किया है, तो तभी पर बच्चों के लिए बनेंगे, तो इसके साथ में एक सालसा बना रही हूँ, तो प्याज टमाटर खीरा सब एक साथ डाल दिया है, सैलेड की तरह खा लेंगे। और इसमें मैंने डाल दिया टमाटो प्यूरी थोड़ी सी डाल दी है, 3-4 टमाटर की, थोड़ा डालूंगी गार्लिक, और हरी मिर्ची भी डाली हुई है, और नींबू डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्ची, बस ये दाल चावल के साथ खा लेंगे इसको। खूब सारा हरा धनिया डाल दिया है, ये बड़ा टेस्टी लगता है, ये बहुत यम्मी 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 यम्मी। पापड़ और या चिप्स जैसे भी खाएंगे बच्चे, दाल चावल के साथ जो भी खाना चाहेंगे वो खा लेंगे। डाल दिए इसमें नींबू भी डाल दिया खूब सारा, नींबू। ओ
और याद आया कि गार्लिक तो डाला ही नहीं है, मतलब लहसुन भूल गई मैं, तो छोटा छोटा कट करके उसमें डाल रही हूँ बारीक। 9:30 बज रहे हैं, बच्चे दाल चावल खा रहे हैं और मुझे दाल चावल नहीं खाना क्योंकि मैंने लेट खाना खाया। तो मैं ना, मुझे क्रेविंग हो रही है ये सब ना सैलड के साथ, मैं नाचोस खाने बैठ गई हूँ, पता है इतना मन कर रहा है खाने का, तो देख के ना इतना टेम्पटिंग लग रहा है ना। और बस इसी नोट पे अपने ब्लॉग का कर रही हूँ मैं एंड। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।